हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है बैंक नोट प्रेस देवास की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है BNP देवास रिक्रूटमेंट 2023, जिससे कि बम्पर 111 जूनियर टेक्नीशियन और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,780 रुपये से लेकर 95,910 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका देवास मध्य प्रदेश रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए 8 वैकेंसी है, सुपरवाइजर कंट्रोल के लिए 3 वैकेंसी है, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए 27 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए 45 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 15 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इसके लिए 3 वैकेंसी है, जबकि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं अगर जूनियर टेक्नीशियन सिविल या एनवायरमेंट की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI डिप्लोमा BSc बी या BTech या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरवाइजर प्रिंटिंग के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से या फिर इंजीनियरिंग से, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BA/BTech कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सुपरवाइजर कंट्रोल के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन प्रिंटिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BSc या फिर BA/BTech कर रखा है इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस से, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने BSc या फिर BA/BTech कर रखा है इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं अगर बात कर रहे हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग या कंट्रोल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है प्रिंटिंग ट्रेड से, या फिर प्लेट मेकर या इंपोजिटर कर रखा है, या हैंड कंपोजिंग कर रखा है, या फिर डिप्लोमा कर रखा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री लेबोरेटरी असिस्टेंट प्लांट मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है अटेंडेंट ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अटेंडेंट ऑपरेटर लेबोरेटरी असिस्टेंट मशीनिस्ट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डाई स्टफ टेक्नोलॉजी पेंट टेक्नोलॉजी सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर पॉलिटेक्निक से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है फिटर में या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल फिटर से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ITI कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जूनियर टेक्नीशियन सिविल एनवायरमेंट के लिए आपका ITI इन वेल्डर या फिर डिप्लोमा इन सिविल वेल्डर से क्यों ना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए, तो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और ये सभी 21 अगस्त 2023 से पहले तक होनी चाहिए। वहीं अगर एज रिलेक्शन की बात करें तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 600 रुपये, वहीं SC/ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी दोस्तों, वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 21 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आप एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।